अस्सलाम वालेकुम, एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी में खुश आमदीद। आज के जो हमारे 3 वर्ड्स हैं, वर्ड 31 है कैलो, वर्ड 32 है सरफीट एंड वर्ड 33 है इम्परवियस। कैलो के मतलब है इन एक्सपीरियंस इमेच्योर, कोई नया बंदा किसी भी काम में जिसको उस काम का एक्सपीरियंस ना हो, वो इमेच्योर हो, वो नया हो, तो उसको हम बोलते हैं कैलो। इसके सिनोनिम्स हैं रॉ, नाइव एंड जोवेनाइल। जोवेनाइल मतलब फ्रेश बंदा, नया बंदा, ताज़ा बंदा, जिसे हम कहते हैं जवान बंदा। तो किसी काम एक्सपीरियंस ना होना, उसे बोलते हैं कैलो। इसका सेंटेंस है द कैलो रिक्रूट हेजिटेटेड ड्यूरिंग द मिशन डिस्प्लेइंग हिज इनएक्सपीरियंस्ड एंड इमेच्योर डिमेनियर, मतलब बिहेवियर। अब जो कैलो रिक्रूट था, रिक्रूट मतलब नया जो भर्ती हुआ हुआ था, नया जो बंदा था, वो चूँकि कैलो था, इमेच्योर था, इनएक्सपीरियंस था, इसीलिए वो हेजिटेट कर रहा था, जो उसको जो मिशन दिया हुआ था उसको परफॉर्म करने में वो हेजिटेट कर रहा था। तो नया बंदा था, इमेच्योर बंदा था, इनएक्सपीरियंस्ड बंदा था, इसलिए वो फिर हेजिटेट कर रहा था वो काम परफॉर्म करते हुए। इसे बोलते हैं हम कैलो। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सरफीट। सरफीट का मतलब है एक्सेस इन अमाउंट ऑफ समथिंग कॉजिंग डिसकम्फर्ट, किसी भी चीज़ की कसरत होना, ज़्यादती होना, और वो फिर इस हद तक होना कि हमारे लिए कोई मुश्किल का बायस बने, हमारे लिए परेशानी का बायस बने। हम इसमें देखते हैं ग्लट, सेचुरेशन और ओवर अबंडेंस, ये 3 इसके सिनोनिम्स हैं। ओवर अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा, सेचुरेशन मतलब भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होना, और ग्लट का सेम भी सेम मतलब है। इसके जो सेंटेंस है वो है द सरफीट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट कैन समटाइम्स लीड टू कन्फ्यूजन रादर देन क्लैरिटी। अब इन्फॉर्मेशन तो वैसे अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, लेकिन इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कि हमारे लिए क्लैरिटी के बजाय कन्फ्यूजन कॉज करे, तो उसे हम बोलते हैं सरफीट। ठीक है, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना कि क्लैरिटी के बजाय कन्फ्यूजन कॉज करे, बहुत ज़्यादा कसरत होना, तो उसे बोलते हैं सरफीट, यानी बहुत ओवर एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओवर एक्सेस ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इम्परवियस। इम्पीरियस का मतलब है रेजिस्टेंट और इम्यून टू आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बाहर के माहौल को, किसी बंदे के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना होना, उसे हम बोलते हैं इम्परवियस। अब बाहर का ऐसा माहौल है, कोई बीमारी चल रही है, कोई माहौल ख़राब है, या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या किसी भी किस्म का माहौल है, खुशी है, गमी है, ये जो बंदा है इसके ऊपर कोई भी उसका असर नहीं होना, यानी कि बाहर के माहौल का कोई असर ना लेना, इसे हम बोलते हैं इम्परवियस। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो है इम्यून, रेजिस्टेंट एंड अनअफेक्टेड। ठीक है, किसी माहौल से इफेक्ट नहीं होना। अच्छा, इसके जो सेंटेंस है हर काम डिमीनियर यानी बिहेवियर, हर काम बिहेवियर रिमेंड इम्परवियस टू द क्योस अराउंड हर। अब कोई भी जो लड़की है उसके इर्द गिर्द जैसे भी माहौल था वो उससे इफेक्ट नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल काम एंड कूल थी। बाहर बेशक कोई भी क्योस हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, कोई भी उगल गपाड़ा चल रहा हो, लेकिन इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, तो ऐसे बंदे को फिर हम बोलते हैं इम्परवियस। ठीक है, तो ये हमारे 3 वर्ड्स थे, कैलो, सरफीट एंड इम्परवियस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।